दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस्लाम के इतिहास की पहली मस्जिद के बारे में? जी हाँ दोस्तों, जिसे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से बनाया था। तो आइए जानते हैं, सऊदी अरब में स्थित मदीना शरीफ से 3 किलोमीटर दूर वो जगह जहाँ पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके साथी पहले मक्का से मदीना तक जब सफ़र तय कर रहे थे, तो इस मस्जिद में उन्होंने आराम फरमाया था, जिसे आज मस्जिद कुबा कहा जाता है, जो इस्लाम के इतिहास में सबसे पहली मस्जिद थी जो आज भी बरकरार है। कहा जाता है कि मस्जिद कुबा में निर्माण में खुद हमारे नबी ने हाथ बंटवाया था और इस मस्जिद को बनाया था। इस मस्जिद के बारे में हदीस में भी जिक्र है कि कुरान में इस मस्जिद का जिक्र सूरह तौबा के अंदर किया गया है। इस मस्जिद में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने से 1 उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। बता दें कि इस मस्जिद का एक हिस्सा महिलाओं के लिए भी है और जो वहां पर इबादत कर सके। मस्जिद के बारे छोटे प्रवेश द्वार है, इसके अलावा 7 बड़े दरवाजे भी है। पिछले कई सालों में इस मस्जिद में कई तरह के नवीनीकरण भी हुआ है। 1984 में फहद बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद का पूर्ण निर्माण किया था, लेकिन इस मस्जिद की वास्तुकला, विशेष रूप से मस्जिद के सफ़ेद गुंबद आज भी वैसे की वैसे ही है। ये मस्जिद अपनी सुंदरता के लिए भी बेहद ही अच्छी है। इस मस्जिद में 56 गुंबद और 4 मीनार है। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि इसमें 20,000 लोग एक साथ इबादत कर सकते हैं। जो भी हाजी हज करने के लिए मक्का और मदीना शरीफ जाते हैं, तो इस मस्जिद में ज़रूर जाते हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि इस साल हज करने वाले बहुत संख्यक में लोग आने वाले हैं। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करें।